मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को, 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है। योजनाओं का लाभ समान रूप से समाज के प्रत्येक तबके को मिलना चाहिए। जब बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके को मिलती है तो योजना यशस्वी बनती है। उस यश का कारण शासन भी बनता है, प्रशासन भी बनता है। बड़े पैमाने पर 1,63,00,000 से अधिक परिवारों के लिए हम लोगों ने शौचालय बनाए। कोई भेदभाव की शिकायत नहीं, जो भी लाभार्थी था, जिसके पास नहीं था उन सबको दिया। जिनके पास चयन की प्रक्रिया में नहीं भाग ले पाए फिर सर्वे करके उनको उपलब्ध करवाया गया। आवास योजना किसे जो लोग वंचित थे उन सबको आवास उपलब्ध करवाया गया, और जिनका नाम सूची में नहीं था ऐसे सभी लोगों को, जैसे आजादी के बाद मुझे आश्चर्य होता है, मुसहर जाति के लोग शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित थे। हम लोगों ने अनिवार्य रूप से किया कि मुसहर जाति के हर परिवार को जमीन का पट्टा के साथ ही उन्हें आवास की सुविधा का लाभ भी मिलना चाहिए। आखिर ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं मिली? मुसहर है, थारू है, बनटांगिया है, चेरो है, कोल है, बुंदेलखंड में सहरिया है, ये सभी जातियां वंचित थी, शासन की इन सभी योजनाओं से वंचित थी। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित उन सभी परिवारों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया। अब तक 1,08,000 से अधिक परिवारों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है और शेष अन्य जितने भी बच्चे इस योजना से मिलेंगे, दिव्यांगजनों को, कुष्ठ रोगियों को, उन सभी को इसके साथ जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। आपके साथ भेदभाव किया, आपको वोट बैंक तो बनाते थे लेकिन शासन की योजनाओं से वंचित भी करते थे। यह केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, लाभार्थी परक योजनाएं आपके लिए उपलब्ध कराई गई हैं और मुझे विश्वास है कि बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी दलाल और एजेंट के शासन की योजनाओं का सीधे लाभ आपको प्राप्त होगा। इन योजनाओं के माध्यम से कार्य करते हुए हम और भी अच्छे मेहनत से, परिश्रम से शासन की योजनाओं को सफल बनाने और समाज के उन्नयन के साथ साथ अपने परिवार के उन्नयन के लिए भी हम लोग कार्य करें।